यह जयपुर का नया बन रहा गांधीनगर स्टेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है और यह निर्माण कार्य बड़ी तेजी से किया जा रहा है। अगले एक साल में इस स्टेशन को पूरा कर लिए जाने की बात कही जा रही है और यह स्टेशन बनकर कैसा दिखेगा इसको भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर एक मॉडल दिखाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इस स्टेशन को रिडेवलप किया जा रहा है। तो जो रिडेवलपमेंट के बाद जो रूप आएगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो एक लंबा सा कॉन्कॉर्स जो दोनों इलाकों को सीधा सीधा जोड़ेगा। अमूमन होता क्या है, रेलवे स्टेशन की एक तरफ से तो बढ़िया एंट्री होती है, दूसरी तरफ से दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं रिडेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है कि इसमें कहीं जो लोग आते हैं उनको आने जाने में आसानी हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको रिडेवलप किया जाएगा और यहाँ स्टेयरकेस ऑटोमेटिक लगाए जाएंगे, साथ ही साथ FOV बनाया जा रहा है, यानी आने जाने के अलग अलग रास्ते रहेंगे क्योंकि जो लोग इसमें आ रहे हैं वो जाने वालों से ना टकराएं और जो जा रहे हैं वो आने वालों से ना टकराएं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत रहेगी निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका लोकेशन बजाज नगर रोड सामने से जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम दूसरी जगहों की बात करें तो इसमें पार्किंग का भी प्रावधान रहेगा, ड्रॉप ऑफ एरिया भी रहेगा, यानी जो लोग आए अपने को छोड़कर आगे निकल जाएं, यानी वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ जब हम मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हर एक साधन की बात होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑटो पार्किंग भी है, यानी जो छोटे छोटे ऑटो होते हैं उनके लिए भी पार्किंग का है, पिकअप एरिया है। जब किसी व्यक्ति को यहाँ से आपको लेना हो तो आप पिकअप एरिया में आइए और यहाँ से लेकर निकल जाइए। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अगर हम इसकी बात करें तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एयरपोर्ट से प्रभावित है, लेकिन एयरपोर्ट की अलग स्थितियाँ होती हैं और रेलवे स्टेशन की स्थितियाँ अलग होती हैं। दोनों को कंपेयर तो किया जाता है लेकिन अगर हम यात्रियों की बात करें, माहौल की बात करें तो माहौल पूरी तरीके से अलग होता है। तो जो लंबा सा कॉन्कॉर्स जिसमें हम कह सकते हैं तमाम डेवलपमेंट किए जाएंगे और इसका जो रूप निकल कर आएगा वो कहीं ना कहीं जो पुराना स्टेशन था उसी की तरह लगेगा, उसी की तर्ज पर लगेगा। गुलाबी नगरी है जयपुर तो इसको कहीं ना कहीं गुलाबी रंग में भी रंगा जाएगा, एक अलग तरीके का लुक एंड फील दिया जाएगा। तो इसको आप देख सकते हैं एक तरफ जयपुर जंक्शन के लिए ट्रेनें जाएंगी तो दूसरी तरफ दूसरी जगह के लिए ट्रेनें जाएंगी और यहाँ पर अलग अलग चीज़ें की गई, जैसे टू व्हीलर के लिए अलग जगह दी गई है, फोर व्हीलर के लिए अलग दी गई है और एक तरफ एंट्री है तो दूसरी तरफ एग्जिट है। यहाँ पर एंट्री और एग्जिट दोनों को आप देख सकते हैं कि एक ही तरह की होंगी, यानी कोई आप ये मत समझिए कि एंट्री कर रहे हैं जो लोग उनके लिए अलग रास्ता है और एग्जिट करने वालों के लिए अलग रास्ता है, तो दोनों तरफ एंट्री एग्जिट होगा। तो यहाँ 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत में यह स्टेशन तैयार किया जा रहा है। गांधीनगर स्टेशन कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जयपुर के लोगों को एक बड़ी सुविधा देगा। और यहाँ पर एक बार मैं फिर से कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएँ कि अंदर से कैसा दिखेगा। तो यहाँ हम आपको पूरा का पूरा स्टेशन मॉडल दिखा रहे हैं। स्टेशन मॉडल में जो चीज़ें हैं वो मोटी मोटी समझ में आ रही हैं और ये कहा जा रहा है अगले एक साल में इसको पूरा कर लिया जाएगा। जब यह स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो लोग इस रेलवे से सफ़र करते हैं उनको काफ़ी सहूलियत होगी। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन जयपुर।